वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम राजेश ब्रह्मो और आप लोग देख रहे हैं आरबी मोटर ब्लॉग्स। आज का मतलब काम यही होगा कि बस जाना है और आना है। एक काम रह गया कल मेरा जो मशीन है ना, मेरा जो ये स्कूटी है एंटोर्क, इसको फर्स्ट सर्विसिंग के लिए लेके गया था ओखला में। तो क्या हो गया, कल पेमेंट नहीं हो पाया किसी भी, मतलब ना एटीएम से पैसा निकला, ना ऑनलाइन से हुआ, ना कार्ड पेमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। कल पूरा एसबीआई मतलब ये क्या बोलेगा उसको, सर्वर डाउन था। मतलब सिर्फ ये दिल्ली में नहीं, इंडिया में कई बार भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जगह जगह से ट्राई किया था, हुआ ही नहीं। बाद में मुझे क्या करना पड़ा, मेरे पास तो कैश ही नहीं था, मैं अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसको दे के आया और इसी को मतलब आज पेमेंट करके वापस लेके आना है। ये जगह हो गया, ये आश्रम का यही बुरा हाल है इस एरिया में, इतना मतलब हमेशा जाम रहता है, बोलिए मत। ये अभी शाम का टाइम है, अभी तक जाम चल रहा है, 6 पार हो गया टाइम। और अभी क्योंकि ऑफिस मतलब क्या हो गया, ऑफिस मतलब बंद करके आ रहा है ना आदमी लोग, इसीलिए। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर से, जब तक यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक यह हमेशा जाम में रहेगा। जाम से तो निकल गया, आप लेना पड़ेगा लेफ्ट। फास्ट सर्विसिंग हो गया दोस्तों, और मैंने बता दिया था आप लोगों को कितना फास्ट सर्विसिंग में कितना खर्चा गया। मैं आप इसका वीडियो भी डाला है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। ओखला इधर मुड़ेगा ना, ओखला इधर मुड़ेगा, ओखला फेस वन। अच्छा अच्छा, चलिए दोस्तों क्या हो गया। मैं मतलब थोड़ा कल पहले बार आया था उधर ओखला साइड में, तो मुझे रास्ता थोड़ा भूल गया यार, क्योंकि और सीधा भी जाता है और इधर मोड़ना पड़ेगा अभी हमको राइट में। एक हैवी आदमी बैठते हैं ना साथ में, तो ऐसा लगता है कि मतलब मज़ा नहीं आता यार, इतना मतलब पावर नहीं है, इस तरह लगता है, ऐसा लगता है कि और थोड़ा पावर होना चाहिए था। क्या करेगा, 125 cc कब आएंगे, स्कूटी है तो कहाँ इतना पावर दे पाएगा। लेकिन बढ़िया है यार गाड़ी, और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ये भी बोल रहा था कि मतलब इसका एवरेज बढ़ेगा थोड़ा, देखता हूँ क्या होगा। वैसे तो मेरा 35/40 दे रहा था, और राइट साइड में आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये एरिया, और रास्ता भी बहुत क्या बोलेगा उसको, सौरा है, बड़ा है, और जो घर का कलरिंग करके रखा है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है सही में। ये ओखला कौन सा लिखा हुआ था यार, ओखला कुछ, ये मेट्रो स्टेशन है ये भी। और अभी हमको लेना पड़ेगा लेफ्ट, मुझे या अभी याद रहेगा ये रास्ता, कभी नहीं भूलूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम सर्विसिंग के लिए आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर से जा रहा है मेट्रो स्टेशन है यार, मेट्रो लाइन है ये, स्टेशन तो आगे है। ये कौन सा स्टेशन है, ये गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन,
अच्छा, गोविंदपुरी तो सुनता था, बहुत बार सुना है मैंने पहले कभी। अभी थोड़ा पैसा निकल लेता हूँ, कल के जैसा ना हो। मैडम ये देख लीजिए, चलो आप चलते हैं, काम तो खत्म हो गया आज का। आदमी का काम निकलता रहता है, क्या करेगा, इंसान है, काम तो रहेगा ही। ये देख, मुझे ये मेट्रो स्टेशन बहुत बढ़िया लग रहा है। ये ओखला NISIC ये स्टेशन, लेकिन ज़बरदस्त था यार, बढ़िया लगा इस एरिया। लेफ्ट साइड आश्रम भी जा सकता है, लेकिन यहाँ मैं इधर गया नहीं कभी। चलो सीधा ही चलता हूँ, पहले रास्ता पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये नया रास्ता में जाने से फालतू में बाद में इधर उधर घूमना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया आश्रम का जाम, काम बहुत हो गया यार, बस कुछ खा लेता हूँ अभी। और दम बार दे लाइव उन्होंने खेपे कम तो मैं तो शीस पनीर तो नंग लेना बाइकन जा रहे 120 टका नहीं भैया। ये वाला सिंपली वेज वाला एक हाफ मीडियम मीडियम सॉरी। Let's sit up.
हाँ सर अलग से डालूँ या इसी में अलग से डाल दी मैंने अलग से डाल दी हाँ ठीक